अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आईब्रोज करने का एक परफेक्ट मेथड जो है वो शेयर करने वाली हूँ। थ्रेड के साथ ही आईब्रोज करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मार्जिन लाइंस है वो ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए आपको जो है वो पेंसिल चाहिए होगी। आप कोई भी पेंसिल ले लो, आप ब्लैक पेंसिल ले लो या फिर लिप वाला कोई भी कलर आप जो है वो ले सकते हो। इसके अलावा आपको टेलकॉम चाहिए होगी इसके लिए जो है वो मेजरिंग करने के लिए, ठीक है जी। नोज़ का जो आपका साइड वाला एरिया है ना, उसको आपने अपने माइंड में रखना है और वहाँ से ही आपने जो है वो मार्जिन लाइंस को ड्रॉ करना है। यहाँ से अगर हम इस टेलकॉम को बिल्कुल सीधा रखते हैं नोज़ के साइड से, तो बिल्कुल सीधा ले जाता है इसको यहाँ फ्रंट पे। जितने लेंथ इसकी बनती है, इतनी आपकी आईब्रोज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपकी आईब्रोज हैं वो लंबी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैं डॉट लगा दूंगी। अब आपने सेम नोज़ वाले पॉइंट से अपनी टेलकॉम को जो है वो मूव करना है। टेलकॉम आपकी इतनी टेढ़ी होनी चाहिए कि आपकी आईज़ का जो सेंटर है ना, मतलब आपकी आईज़ का स्टार्ट और एंड पॉइंट से जो सेंटर बन रहा है, वहाँ तक आपकी कॉम जो है वो बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। ये आपकी आईब्रोज का जो है ना वो मिड पॉइंट होगा। यहाँ पर आपने डॉट लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने सेम नोज़ के पॉइंट से ही इसको थोड़ा और टेढ़ा करना है, और जहाँ पे आपकी आईज ख़त्म हो रही है ना, बिल्कुल वहाँ पे कॉर्नर पे आपने इसको ले जाना है और यहाँ पे भी डॉट लगा देना है। अब आपके ये पॉइंट्स हैं जितना जितना आपके आईब्रोज को होना चाहिए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो सारे के सारे आपने रिमूव कर देने हैं। अब इन डॉट्स को हम जो है वो आपस में मिला देंगे, ताकि आपको पता हो कि आपने इस लाइन के ऊपर ऊपर रहते हुए धागा चलाना है, इस लाइन से नीचे आपने जो है वो नहीं आना। ये आपके आईब्रोज की जो है ना वो परफेक्ट शेप है, ठीक है जी। अभी सेम इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आपने आईब्रो को लोअर साइड से भी इसी तरह से जो है वो लाइन लगानी है, ठीक है जी। इससे ये होगा कि आपको पता होगा कि आपके जो आईब्रोज है उसको परफेक्ट शेप जो है वो किस तरह से मिलनी चाहिए। अभी जितना टेढ़ा मेरा ऊपर वाला लाइन है ना, आईब्रोज के ऊपर वाली लाइन जितनी टेढ़ी है, सेम उतनी ही आईब्रोज के नीचे वाली लाइन भी जो है वो टेढ़ी होगी। इसी तरह से इसको डॉट्स को जो है वो हम आपस में मिला देंगे, तो सेम लाइन जिस तरह हमारी आईब्रोज के ऊपर बनी है, आईब्रोज के नीचे भी सेम ऐसी लाइन ही बन जाएगी। अब जी थ्रेड चलाने का टाइम है, तो थ्रेड करने से पहले आपने क्या करना है, आपने बालों को अच्छी तरह से ना कोम करना है। उसके लिए आप कोम ले सकते हो, वैसे तो स्पूली होती है इसके लिए, जो कि आपको मेकअप ब्रश सेट में मिल जाती है। इसके अलावा छोटा सा कोम भी होता है, कोई भी आप चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हो, जिसके साथ आप अपने बालों को जो है वो अपर वाले साइड पे कॉम कर सको। इससे आपको पता चलेगा कि कितने बाल एक्स्ट्रा हैं जिनको आपने कटिंग करनी है, ठीक है, एक्स्ट्रा बाल नहीं उतरेगा। और इसको भी आपने इस लाइन को नज़र में रखते हुए ही जो है वो कट करना है, इससे ज़्यादा बाल आपने जो है वो कट नहीं करने। अब जी आपको चाहिए होगा थ्रेड, जो कि मैं सिंपल वाला यूज़ कर रही हूँ, जो कि नॉर्मली स्टिचिंग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और आपको ये इजीली किसी भी स्टोर से जो है वो शॉप से मिल जाता है। इसके साथ आपने जो है वो एक्स बनाना है, जैसे थ्रेडिंग करने के लिए अक्सर बनाया जाता है। अब आपने इस धागे को ना सिर्फ उस एरिया पर चलाना है जो कि हमने ड्रॉ किया है, उसे ऊपर रहना, उसे नीचे नहीं रहना। मतलब जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इस लाइन के ऊपर ऊपर आप धागा चलाओगे, एग्जैक्ट शेप जो है वो बनेगी, कहीं से भी एक्स्ट्रा बाल जो है वो नहीं उतरेगा, क्योंकि हमने मार्जिन लाइंस जो है वो ड्रॉ की हुई हैं, ठीक है। तो आपने इस हदूद के अंदर रहते हुए धागा चलाना है, ना आपने इसे नीचे वाली साइड पर नहीं आना, ठीक है। एक भी बाल आपको जो है वो नीचे वाली साइड से नहीं उतरना चाहिए, लाइन से नीचे वाली साइड से। अब सेम एज इट इज़ आपने जो है वो आईब्रोज को स्ट्रेच करवा लेना है, अपर साइड से भी और लोअर साइड से भी। उसके बाद आपने जो है वो आईब्रोज को नीचे वाली साइड से जो है वो थ्रेड करना स्टार्ट करना है। और इसमें भी आपने ख्याल रखना है कि आपका जो मार्जिन लाइन आपने ड्रॉ किया हुआ है, उस लाइन के ऊपर ऊपर धागा चलाना है, मतलब उस लाइन को फॉलो रखना है आपने, उस लाइन से ऊपर नहीं जाना, वरना आपकी आईब्रोज की शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। लाइन ड्रॉ करने का पर्पज़ ही ये है कि आपको पता हो कि आपकी जो हदूद है वो इतनी ही है, इससे ज़्यादा बाहर जो है वो आपने नहीं जाना, ठीक है जी। तो अब आप देखो कि जब मैं इसके ऊपर ऊपर धागा चलाऊंगी और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बाल हैं सिर्फ वो उतारूंगी, तो कभी भी आपकी आईब्रोज की शेप जो है ना वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि आपने मार्जिन लाइंस लगाई हैं, उनको फॉलो करके आपने जो है वो बाल उतारे हैं। इसके अलावा आपने बाल नहीं उतारे, भी सेंटर से भी बाल उतारने के लिए ये आपको हेल्प करेगा कि आपकी आईब्रोज जहाँ से स्टार्ट पॉइंट है उसके अलावा ही आपने बाल उतारने हैं, उसके अलावा आपने बाल नहीं उतारने। भी मेकअप रिमूवर से मैंने लाइन्स इरेज की हैं और शेप जो है वो आप देखो कितनी मज़े की शेप जो है वो बन गई है, सेम एज इट इज़। अदर साइड पर हम मार्जिन लाइन्स जो है वो ड्रॉ करेंगे, अपर साइड से भी, लोअर साइड से भी, और देन हम इन पॉइंट्स को जो है वो आपस में मिला देंगे और फिर एक्स्ट्रा बाल जो है वो रिमूव करेंगे। अभी जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो कि इन स्टेप्स को फॉलो करके मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई आईब्रोज बनाने में, मतलब
पता चल रहा है कि एक शेप जो है वो बनी है, एक आइडियल शेप जो कि क्लाइंट आके डिमांड करता है कि उसे ऐसी शेप जो है वो बनवानी है। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप इस टेक्निक को फॉलो करके आईब्रोज बनाना सीखो। स्टार्ट में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको इतनी आदत हो जाएगी कि फिर आप बगैर लाइंस के भी एक परफेक्ट शेप जो है वो बना सकोगे। बिकॉज आपको इतना आइडिया हो गया होगा, इतना जो है वो एक्सपीरियंस हो गया होगा कि आपको पता चल जाएगा आईब्रोज देख के इसकी शेप जो है वो किस तरह से होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ जी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और वीडियो के लिंक्स काइंडली आगे शेयर कर दिया करें अपने फैमिली मेंबर्स को और अपने फ्रेंड्स को। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।